नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी है। चुनाव आयोग के कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में लिस्ट से उनका नाम हटाने के आदेश को उन्होंने चुनौती दी है। बता दें, कमलनाथ ने बीजेपी की महिला नेता इमरती देवी को एक चुनावी सभा में आइटम कह दिया था, जिसके बाद बवाल हो गया था। हालांकि कमलनाथ ने कहा था कि उनके बयान को गलत संदर्भ में ले लिया गया है। पुलवामा हमले को लेकर बीजेपी कांग्रेस से लगातार माफी मांगने की बात कह रही है, उस पर अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर कांग्रेस को किस बात की माफी मांगनी चाहिए। क्या हम हमारे जवानों को सुरक्षित रखने की सरकार से उम्मीद करने के लिए माफी मांगे, या फिर राष्ट्रीय त्रासदी का राजनीतिकरण करने के बजाय इसे लेकर चिंता जताने के लिए माफी मांगे, या फिर हमारे शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए माफी मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित एकता दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रगति के इन प्रयासों के बीच कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसका सामना आज भारत और पूरा विश्व कर रहा है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं, वो आज वैश्विक चिंता का विषय है। आतंकवाद हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले को लेकर विपक्ष पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि पुलवामा हमले में अपना राजनीतिक स्वार्थ देखा जा रहा था, ये बात देश कभी नहीं भूल सकता। पीएम मोदी ने कहा कि आज यहाँ जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था तो मन में एक और तस्वीर थी, ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। देश कभी नहीं भूल सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे, वे पुलवामा हमले में अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। महात्मा गांधी के प्रति अगाध श्रद्धा रखने का दावा करने वाली बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बापू का अपमान करने वालों को उपकृत करना जारी रख रही है। अब ताज़ा वाकया सामने आया है अनिल कुमार सौमित्र का। ये वही सौमित्र हैं जिन्होंने पिछले साल बापू को फादर ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का राष्ट्रपिता कहा था। सौमित्र मध्य प्रदेश बीजेपी की मीडिया सेल के प्रमुख थे। फादर ऑफ पाकिस्तान बताने पर विवाद बढ़ा तो बीजेपी ने उन्हें पद से हटा दिया था। ये मई 2019 की घटना है, लेकिन अब उन्हें पत्रकारिता के सर्वोच्च संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी IIMC में प्रोफेसर नियुक्त किया गया है। राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो गया। राज्य सरकार ने इस दौरान केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ 3 संशोधन विधेयक पेश किए हैं, जिससे वो राजस्थान में उन कानूनों के प्रभाव को नाकाफी कर सके। बता दें कि बीते दिनों पंजाब सरकार ने विधानसभा में केंद्र सरकार के 3 नए कृषि सुधार कानूनों को प्रभावहीन करने के लिए करीब 5.5 घंटे की बहस के बाद सर्वसम्मति से 4 विधेयक पारित किए थे। प्याज की कीमतों से लोगों को राहत मिल भी नहीं पाई कि आलू के भाव बढ़ने लगे हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य व जन वितरण मंत्रालय के राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार आलू की औसत कीमत लगभग 40 रुपये तक पहुंच गई है। ये 130 महीने यानी 10 साल से भी ज़्यादा समय में सबसे ऊंची कीमत है। केंद्र सरकार ने जिस तरह प्याज के निर्यात पर रोक लगाई थी, उसी तरह आलू के आयात का फैसला कर कीमतों को काबू में रखने की कोशिश तो कर रही है, पर सवाल उठता है कि उसे इस तरह के कृत्रिम प्रयास करने ही क्यों पड़ते हैं। वहीं अब भारत सरकार भूटान से 30,000 मीट्रिक टन आलू का आयात करेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को इस सेवा का उद्घाटन किया और वे इस सी प्लेन सेवा के पहले यात्री भी बने। गुजरात के केवड़िया से साबरमती के बीच ये विमान सेवा शुरू की गई है। इन दोनों जगहों के बीच करीब 200 किलोमीटर की दूरी है, जिसे यह सी प्लेन महज 35 मिनट में तय कर सकता है। अमेरिका में चुनाव के नतीजे आने से पहले हथियार की खरीद भारी मात्रा में बढ़ गई है, जिसके कारण से चिंताएं बढ़ गई हैं। यही नहीं, पूरे अमेरिका में वॉलमार्ट स्टोर ने बंदूकों की बिक्री तक बंद कर दी है। कारण है अमेरिका में चुनावी नतीजों के बाद हिंसक झड़पें या गृह युद्ध की आशंका है। बता दें, ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो आसानी से सत्ता हस्तांतरित नहीं करने वाले हैं। वो कई बार अपने राइट विंग आर्मी को भी संकेत दे चुके हैं कि अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो एक्शन के लिए तैयार रहिए। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 81,37,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,21,000 के पार है। फिलहाल एक्टिव मामले 5,82,000 से ज़्यादा हो गए हैं। पिछले एक दिन की बात करें तो भारत में इस दौरान 48,000 से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस उम्मीद में पूरे देश में फिर से महीने भर का लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रहे हैं ताकि क्रिसमस आने तक लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दी जा सके। सोमवार को इसकी घोषणा की जा सकती है। हालांकि स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को इसमें छूट दी जाएगी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,56,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,90,000 के पार हो गई है। वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,32,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 90,48,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,29,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 55,16,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,59,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।